हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल। समीक्षा इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास है बिल्कुल नए संशोधन के साथ 32 32वें नंबर की क्लास है। इसके पहले ऑलरेडी 31 क्लास हो चुकी है फ्रेंड्स, जिसमें हमने सारा ही सारा मध्य प्रदेश के सारे ही सारे विषय कवर करवाने की कोशिश करी है। आज हमारी 32वीं क्लास है जिसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश की कुछ फेमस पर्सनैलिटीज। फेमस पर्सनैलिटीज में देखा जाए तो वो व्यक्तित्व आएंगे जिनसे जो मध्य प्रदेश में फेमस रहे, जिनसे प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को हमको मिलते हैं फ्रेंड्स। वो फेमस पर्सनालिटीज करीबन मैंने इसमें 25 से 30 के करीब इंक्लूड किए हैं। ज़्यादा आपको करनी जरूरत नहीं, इनसे प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर जो क्वेश्चंस अक्सर देखने को हमको मिलता है वो हमारे इसमें कवर करवाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, प्रसिद्ध व्यक्तित्व या फिर फेमस पर्सनालिटी मध्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, खेलकूद का, साहित्यिक का या सिनेमा का, किसी भी क्षेत्र हो, वो आपको उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इस टॉपिक में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले प्रसिद्ध व्यक्ति में आएंगे हमारे तानसेन। कौन आएंगे सबसे पहले? तानसेन। तो तानसेन बारे में जो भी क्वेश्चन आते हैं मोस्टली वो इसमें कवर होंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में आता है सबसे पहले तानसेन का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो याद रखना, क्वेश्चन तो वैसे जिले के हिसाब से आता है कि वैसे तो वो ग्वालियर आएगा, तो आपको ग्वालियर अगर डीपली पूछा जाए तो उसके याद रखना ग्वालियर के पास बेहट में होता है। कहाँ पर? तानसेन का जन्म ग्वालियर के पास बेहट में हुआ था। इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है अक्सर, वो है राम तनु पांडे। जो तानसेन है आप यहाँ चित्र में देख सकते हो, ठीक है। चित्र में तानसेन, पहले तो याद रखना कि अकबर के समकालीन थे, उनके दरबार में नवरत्नों में से एक थे। आगे हम पढ़ेंगे, इनका जन्म ग्वालियर के बेहट में, राम तनु पांडे इनका वास्तविक नाम था। इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? याद रखना, इनके आध्यात्मिक गुरु मोहम्मद गौस थे। कौन थे? मोहम्मद गौस थे, ठीक है। तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के दरबार में संगीतकार थे, याद रखना। कौन थे? रीवा के राजा दरबार, राजा रामचंद्र बघेल के दरबार में संगीतकार थे। बाद में इन्होंने जे अकबर के वहीं से जे अकबर के नवरत्नों में शामिल हो गए थे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के दरबार से अकबर के नवरत्नों में शामिल हो गए थे। इन्होंने मियाँ की तोड़ी, जो इनकी प्रसिद्धि रही है, इनकी प्रसिद्धि किस में? मियाँ की तोड़ी में, मियाँ की मल्हार में और मियाँ की सारंग में रही है, याद रखना। इन्होंने ये सारे तीनों की तीनों राग गाए हुए थे, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार और मियाँ की सारंग, ये तीनों राग इन्होंने गाए हुए थे। वे दीपक राग, कौन से? वे दीपक राग गाने में निपुण थे। उनकी मृत्यु बाद में और अंतिम संस्कार कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में ही किया गया था, ठीक है, याद रखना। तो याद रखना, इनका समाधि स्थल जो भी है वो कहाँ पर? ग्वालियर में ही है। तानसेन का जन्म ग्वालियर के बेहट में हुआ था। वास्तविक नाम इनका रामतनु पांडे मिलता है। गुरु अध्यात्मिक मोहम्मद गौस मिलता है। रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के दरबार में संगीत करते, फिर उसके बाद अकबर के नवरत्नों में शामिल हुए। तो इस प्रकार से तानसेन से जो भी इनोल क्वेश्चन आते हैं वो इसमें हमने कवर करवाया, ठीक है। साथ साथ में याद रखना कि इनको जो संगीत की शिक्षा दी थी, आध्यात्मिक गुरु की अगर बात करें तो मोहम्मद गौस, और संगीत की जो शिक्षा दी थी, क्वेश्चन अगर डीपली पूछा जाता है तो इसी प्रकार से आता है कि संगीत की शिक्षा स्वामी हरिदास ने दी थी इनको। तानसेन को किसने दी थी? स्वामी हरिदास ने दी थी। और तानसेन का अगर मकबरा पूछ लिया जाए तो तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर में है, ठीक है, याद रखना। जन्म भी ग्वालियर के बेहट में हुआ था, मकबरा भी ग्वालियर में। साथ में इनका गुरु मोहम्मद, जो आध्यात्मिक गुरु थे, गुरु मोहम्मद गौस, साथ में इनका भी मकबरा इनके साथ में ही है। किसके? तानसेन के साथ में, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं हमारे जो कि उस्ताद अलाउद्दीन खान दी। तानसेन से जो भी क्वेश्चंस थे इन्हीं से आ जाते हैं, इससे डीपली पूछा नहीं जाएगा। अगले आते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान। उस्ताद अलाउद्दीन खान के बारे में अगर हम बात करें तो इनने जो शिक्षा दीक्षा ली थी वो सतना जिले के मेहर में ली थी, ठीक है। संगीत की जो शिक्षा ली थी, संगीतज्ञ थे, ठीक है, गायक थे, ठीक है, जो सतना जिले के मेहर में इन्होंने संगीत की शिक्षा ली थी। अगर इनके द्वारा जो सिखाए गए प्रख्यात जो शिष्य हुए थे उनकी बात करें तो एक तो पहले नंबर पे आता है अली अकबर खान, दूसरा पंडित रविशंकर, ठीक है, याद रखना। दूसरा आता है पंडित रविशंकर और अकबर खान के इनके शिष्य थे, उस्ताद अलाउद्दीन खान के ही शिष्य थे, याद रखना है, ठीक है। ये सारे दोनों उस्ताद अलाउद्दीन खान और तानसेन प्राचीन हो गए। चलिए अगला देखते हैं हम। अगले नंबर पे आता है हमारा उस्ताद हाफिज अली खान। कौन? उस्ताद हाफिज अली खान। जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, चित्रों से भी याद रखिए तो आपको अच्छी तरीके से जी चेहरे याद करने में सुविधा होगी और कुछ नाम भी याद करने में सुविधा होगी। हाफिज अली खान, सरोद को संगीत में प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय किसको जाता है? उस्ताद हाफिज अली खान को जाता है। और संगीत संग्रहालय जो इनके नाम पर ही है वो कहाँ पर है? ग्वालियर में, याद रखना, ठीक है। संगीत संग्रहालय सरोद घर वो ग्वालियर में ही उस्ताद हाफिज अली खान के नाम पर। अगले आते हैं हमारे
पंडित रविशंकर राव, पंडित शंकर राव, ठीक है। अगले आते हैं पंडित शंकर राव, चित्र में आप देख सकते हैं पंडित शंकर राव के बारे में देखें तो ख्याल गायकी और टप्पा गायन शैली के लिए विख्यात थे। पंडित शंकर राव किसके लिए विख्यात थे? ख्याल गायकी और टप्पा गायन शैली के लिए विख्यात थे, ठीक है, याद रखना। इन्होंने ग्वालियर में शंकर गंधर्व विद्यालय की स्थापना की थी। इन्होंने ग्वालियर में क्या की थी? शंकर गंधर्व विद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। अगले आते हैं हमारे उस्ताद आमिर खान अली। उस्ताद आमिर खान अली याद रखना कि इंदौर दरबार के प्रतिष्ठित संगीतकार थे। उस्ताद जो आमिर थे, उस्ताद आमिर अली नहीं, जो आमिर अली है, याद रखना, उस्ताद आमिर अली इंदौर दरबार के प्रतिष्ठित संगीतकार थे। इन्होंने बैजू बाबरा, देखिए जो प्रमुख फिल्में हुई हैं, इन्होंने बैजू बाबरा, झनक झनक पायल बाजे, गूंज उठी सेनाई आदि फिल्मों में संगीत दिया है। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है संगीत के क्षेत्र में उस्ताद आमिर अली, याद रखना। इनका घराना कहाँ पर है? इंदौर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फेमस पर्सनालिटी की बात करें तो हम विजय राजे सिंधिया की बात करेंगे। विजय राजे सिंधिया याद रखना, सागर के महेंद्र सिंह, कहाँ पर? सागर के महेंद्र सिंह के घर में जन्म विजय राजे सिंधिया के विवाह ग्वालियर के जीवाजीराव सिंधिया के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? विजय राजे सिंधिया का विवाह ग्वालियर के सिंधिया परिवार के बीजा जीवाजी राव सिंधिया के साथ इनका विवाह हुआ था। और पुत्री किसकी थी? महेंद्र सिंह की पुत्री थी, ठीक है, सागर के जो राजा थे। इनके बचपन का नाम याद रखना, कि कई बार पूछ लिया जाता है कि लेखा दिव्येश्वरी किसका बचपन का नाम है, तो याद रखना इनके बचपन का नाम लेखा दिव्येश्वरी था, जबकि बाद में ये राजमाता के नाम से फेमस हुई। वे मध्य प्रदेश विधानसभा और लोकसभा की सदस्य भी रही हैं। 2001 में इनका देहांतवास हो गया था, ठीक है, याद रखना। अगला देखते हैं हम माधवराव सिंधिया। माधवराव सिंधिया के बारे में देखें तो इनका जन्म कहाँ पर? ग्वालियर में ही हुआ था। माधवराव सिंधिया का जन्म कहाँ पर? ग्वालियर में ही हुआ था। माधवराव सिंधिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, ठीक है, साथ साथ में याद रखना, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। राजघराने से बिलोंग तो रखते ही है, लेकिन साथ साथ में कांग्रेस भी ज्वाइन कर ली बाद में। उसके बाद वे केंद्र में कई विभागों के मंत्री भी रहे। 30 सितंबर 2001 को, याद रखना फ्रेंड्स, 30 सितंबर 2001 को विमान दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में भाऊगांव के पास आकस्मिक निधन हो गया था। जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो गई थी उसमें इनका निधन हो गया था। 30 सितंबर 2001 को विमान दुर्घटना उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के भाऊगांव के पास, ठीक है, माधवराव सिंधिया का, तो दोनों को आपको याद रखना, ठीक है। अगला देखते हैं अशोक कुमार। देखिए अशोक कुमार पर्सनालिटी भी बहुत ही मायने रखती, कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जन्मे, कहाँ पर जन्मे थे? खंडवा में जन्मे थे। और दादा मुनि के नाम से ये उपनाम से फेमस थे। किसके नाम से? दादा मुनि उपनाम से फेमस थे। उपनाम से विख्यात हुए अभिनेता किशोर कुमार के बड़े भाई थे। किसके द्वारा? जो अशोक कुमार थे वो किसके? अभिनेता किशोर कुमार के बड़े भाई थे, याद रखना। इन्होंने 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। वर्ष 2000 में इनका निधन हो गया था। कब? वर्ष 2000, सन 2000 में इनका निधन हो गया था। अशोक कुमार किशोर कुमार के बड़े भाई थे, खंडवा में जन्मे थे, दादा मुनि के नाम से जी उपनाम से फेमस थे। अगले आते हैं हमारे किशोर कुमार, देखिए यानी अशोक कुमार के छोटे भाई किशोर कुमार। प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार कौन? प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवाई में हुआ था। दोनों का खंडवाई में हुआ था। वे गायक निर्देशक और अभिनेता भी रहे। कौन रहे? गायक निर्देशक और अभिनेता भी रहे किशोर कुमार। दोनों का संबंध किस जिले से पूछा जाए तो याद रखना, अशोक और किशोर कुमार का खंडवा जिले से पूछा जाता है, बस आपको इतना ही याद रखना है। अगले आते हैं आशुतोष राणा। कौन? आशुतोष राणा, ठीक है, याद रखना। आशुतोष राणा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के इस अभिनेता ने कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया है। शानदार अभिनय के साथ साथ याद रखना कि ये वर्तमान में कई फिल्मों में काम कर रहे हैं। और बस आपको जिला पूछा जाएगा कि आशुतोष राणा किस जिले से संबंधित रखते हैं, तो नरसिंहपुर से संबंधित रखते हैं। देखिए जो सारी सारी पर्सनालिटी आप एक बार देख रहे हो तो इसी क्वेश्चंस किस प्रकार से आता है, आपको नाम दे दिए जाएंगे कि इन पर्सनालिटी में से जैसे आशुतोष राणा हो गया, किशोर कुमार हो गया, अशोक कुमार हो गया, ठीक है, पीछे आपको किसी कोई सा भी नाम दे देंगे, मनोज कुमार दे देंगे, ठीक है, मनोज तिवारी दे देंगे, तो उन सब आपसे पूछा जाएगा इनमें से मध्य प्रदेश से कौन संबंध नहीं रखता है, तो आपको ये सारी सारे नाम याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए तो आशुतोष राणा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से संबंध रखते हैं, ठीक है, गाडरबाड़ा के में से संबंधित हैं। चलिए अगले देखते हैं हम कि लता मंगेशकर। सुर सामग्री के नाम से प्रसिद्ध लता मंगेशकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? इंदौर में हुआ था, याद रखना। जन्म कहाँ पर हुआ था? इंदौर में हुआ था। इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है। 2001 में
प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर के नाम पे एक पुरस्कार की भी घोषणा की है और पुरस्कार हर वर्ष दिया भी जाता है, ठीक है याद रखना। लता मंगेशकर के नाम पर संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार भी दिया जाता है। सुरसाम के इंदौर में इनका जन्म हुआ है, ठीक है याद रखना। और इनको भारत रत्न कब मिला है 2001 में। अगर डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा लता मंगेशकर से तो पूछ लिया जाता है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न उस सन में दिया गया, क्योंकि वो मध्य प्रदेश से रिलेटिव है तो इनसे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगली आती है हमारी आशा भोंसले। इनका जन्म 8 सितंबर 1930 को हुआ। कब हुआ? आशा भोंसले का 8 सितंबर 1930 को हुआ। ये विश्व की सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने वाली गायिकाओं में से एक महान गायिका है। सर्वाधिक विश्व की सबसे ज्यादा गीत रिकॉर्ड किए हैं इन्होंने। किसने? आशा भोंसले ने, याद रखना। इन्होंने 15 भारतीय भाषाओं में लगभग 7000 गीत का रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है, ठीक है याद रखना। कितनी? 15 भाषाओं में 7000 गीत रिकॉर्ड इन्होंने किए। वह दादा साहब फाल्के पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित भी की जा चुकी है, अलंकृत की जा चुकी है, ठीक है। कौन? आशा भोंसले। चलिए अगली आती है बेगम असगरी भाई। बेगम असगरी भाई के बारे में, शास्त्रीय संगीत की महान गायिका के क्षेत्र में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। इन अनेक आयामों स्थापित किए। बेस ध्रुपद गायन की प्रमुख गायिका भी रही है। किसकी? ध्रुपद गायक की प्रमुख गायिका भी रही है बेगम असगरी बाई। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि बेगम असगरी बाई मध्य प्रदेश से संबंधित है भी क्या नहीं है। देखिए ऑप्शन आपको दे देंगे अलग अलग, इनमें से कौन सी पर्सनालिटी मध्य प्रदेश, या इस प्रकार से क्वेश्चन सजाए कि इनमें से कौन सी गायिका मध्य प्रदेश से संबंधित है या नहीं है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना, कि तो आपको याद नहीं होगा बेगम लता मंगेशकर आशा भोंसले तो आप लगा दोगे, लेकिन बेगम असगरी बाई याद रखना, ठीक है, कि बेगम असगरी बाई भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। खेल में अगर बात कर ली जाए कि हमारी शंकर लक्ष्मण, कौन याद रखना इनको, किसको? शंकर लक्ष्मण को। शंकर लक्ष्मण इंदौर में जन्मे विख्यात हॉकी खिलाड़ी थे, ठीक है। कब? 1933 में जन्मे इंदौर के विख्यात खिलाड़ी थे। 1948 के ओलंपिकों में, कब? 1948 के ओलंपिक में हॉकी के गोलकीपर के रूप में भी प्रसिद्ध हुए, ठीक है याद रखना, मात्र 15 वर्ष की उम्र में, ठीक है याद रखना। सन 1933 में इंदौर में जन्मे लक्ष्मण शंकर या शंकर लक्ष्मण हॉकी के खिलाड़ी थे, और याद रखना कि 1948 के ओलंपिक में गोलकीपर के रूप में इन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। अगले आते हैं हमारे कैप्टन मुश्ताक अली। पहले तो शंकर लक्ष्मण को अच्छी तरीके से याद रखना, जन्म कहां पर हुआ था? इंदौर में हुआ था। कैप्टन मुश्ताक अली की अगर बात करें तो 1914 में इंदौर के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म इंदौर में हुआ था। कहां पर हुआ था? प्रसिद्ध खिलाड़ी का जन्म कैप्टन मुश्ताक अली का इंदौर में हुआ था। इन्होंने प्रथम श्रेणी में, कब? इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 10,000 रन अधिक रन बनाए। कब? 10,000 रन अधिक बनाए। 1936 में भारतीय टीम के खिलाड़ी के रूप में शतक बनाया था, ठीक है याद रखना है। 1936 भारतीय टीम के रूप में शतक लगाया था, जो कि किसी भारतीय द्वारा विदेशी धरती पर, क्या? जो कि किसी भारतीय द्वारा विदेशी धरती पर बनाया गया पहला शतक था, याद रखना, किसी भारतीय द्वारा बनाया गया किसी विदेशी धरती पर पहला शतक था 1936 में कैप्टन मुश्ताक अली ने, ठीक है। 1914 में इनका जन्म हुआ था। अगले आते हैं हमारे असलम शेर खान। असलम शेर खान भारतीय टीम के प्रमुख फॉरवर्ड हॉकी खिलाड़ी थे। कौन थे? फॉरवर्ड हॉकी खिलाड़ी थे असलम शेर खान, जिन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी भाग लिया था, ठीक है। असलम शेर खान को भी याद रखना, हॉकी से संबंधित थे। अगली नेक्स्ट पर्सनालिटी की बात करें तो सुश्री उमा भारती भी मुख्य भूमिका में रहती है पर्सनालिटी में, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की पहली एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी है। तो याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, विभिन्न मंत्रालयों में जो मंत्री भी रही थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, ठीक है। 8 दिसंबर 2003 को, कब? 8 दिसंबर 2003 को राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी। साथ साथ में 23 अगस्त 2004 तक उनका पद रहा था, ठीक है। 8 से 9 महीने तक उन्होंने पद संभाला था मुख्यमंत्री का। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनशक्ति पार्टी का गठन किया था। किसका? अगर क्वेश्चन आएगा कि उमा भारती ने किस पार्टी का गठन किया था, तो भारतीय जनशक्ति पार्टी का गठन किया था, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी पार्टी का विलय भाजपा में ही कर दिया। जिससे अलग हुई थी उसी में इनको सम्मिलित कर दिया गया, ठीक है। अगले आते हैं दिग्विजय सिंह। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लंबे समय तक का कार्यकाल के रूप में जाना जाता था, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान के पहले। कार्यकाल के रूप में मुख्यमंत्री पद पर रहने का गौरव प्राप्त था, ठीक है याद रखना, लेकिन पहली बार 1993 और दूसरी बार 1998 में मुख्यमंत्री बने। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, दो बार लगातार मुख्यमंत्री बने दिग्विजय सिंह, एक बार तो 93 में और दूसरी बार
98 में, ठीक है, याद रखना। शिवराज सिंह चौहान के पहले सबसे लंबे समय तक का कार्यकाल इनका ही रहा है, ठीक है, 10 वर्षों तक का। चलिए अगले देखते हैं हम, हबीब तनवीर। देखिए नाट्य क्षेत्र में, कला क्षेत्र में अगर बात करें हम, कला क्षेत्र में तो हबीब तनवीर को हम नहीं भूल सकते। इनका जन्म याद रखना हबीब तनवीर का, कि 1 सितंबर 1923 को, हबीब तनवीर का कब, 1 सितंबर 1923 को रायपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, रायपुर में हुआ था, अविभाजित मध्य प्रदेश में। ये प्रसिद्ध नाटककार थे, कौन थे, प्रसिद्ध नाटककार थे। इन्होंने नाटकों के निर्देशन के रूप में भी ख्याति प्राप्त की थी, ठीक है, हबीब तनवीर ने। कई राष्ट्रीय पुरस्कारों के अलावा इनको मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किससे, मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी मृत्यु 8 जून 2009 को भोपाल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, 8 जून 2009 को भोपाल में हुई थी, हबीब तनवीर की। तो हबीब तनवीर को याद रखना है आपको, रायपुर में इनका जन्म हुआ था, मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया था, नाटककार थे, 8 जून 2009 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने 1969-1969 में नया थिएटर के नाम से, जो कि प्रसिद्ध रहा, क्या, नया थिएटर, याद रखना कौन, नया थिएटर के नाम से थिएटर कंपनी स्थापना की। इन्हें 1982 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है, 1982 में कौन सा, पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। क्वेश्चन ज्यादा है, नया थिएटर कंपनी की स्थापना, नए थिएटर की लॉन्च उद्घाटन किसने किया था, तो हबीब तनवीर ने किया था, ठीक है, याद रखना हबीब तनवीर, पर्सनालिटी को आप याद रखना। अगले आते हैं हमारे जावेद अख्तर। देखिए जावेद अख्तर भारतीय फिल्म उद्योग के प्रतिष्ठित गीतकार और कला लेखक के, ने फिल्म जंजीर की पटकथा लिखकर फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। इन्होंने 20 से परे फिल्मों कथाएं अथवा पटकथा लिखी है, जावेद अख्तर। अगली पर्सनालिटी आती है अनु कपूर की। इनका जन्म 20 फरवरी 1956 को 1956 को भोपाल में हुआ था। जन्म कहाँ पर हुआ था, अनु कपूर का भोपाल में हुआ था। अनु कपूर ने अपना करियर रुका हुआ फैसला नाटक से शुरू किया था। किससे, अगर क्वेश्चन आए कि अनु कपूर ने अपना करियर किससे शुरू किया था, किस नाटक से शुरू किया था, तो रुका हुआ फैसला, ठीक है, याद रखना। जन्म कहाँ पर, भोपाल में हुआ था, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है, कौन सी पर्सनैलिटी किस क्षेत्र से, तो आपको पहली बार तो इनका क्रम याद रखना चाहिए, जितने ही मैंने बता दिए, ये सभी मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, ठीक है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से प्रशिक्षित अनु कपूर दूरदर्शन के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अभिनेता, संचालक तथा आयोजक भी हैं। किसके, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से प्रशिक्षित अनु कपूर दूरदर्शन के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अभिनेता एवं संचालक तथा आयोजक भी रहे हैं, ठीक है, याद रखना। अगले आते हैं इंपॉर्टेंट, ओम प्रकाश चौरसिया। कौन से, ओम प्रकाश चौरसिया। ओम प्रकाश चौरसिया, इनका जन्म 15 दिसंबर 1940 को हुआ था। ये विश्वविख्यात संतूर वादक थे। कौन थे, विश्वविख्यात संतूर वादक थे। जन्म कब हुआ था, 15 दिसंबर 1940 में हुआ था। जिन्होंने समस्त यूरोपीय देश समेत अमेरिका बांग्लादेश में अपनी प्रतिभा प्रदर्शन किया था, ठीक है, याद रखना। किसने, ओम प्रकाश चौरसिया ने, ठीक है। और ओम प्रकाश चौरसिया मध्य प्रदेश से संबंधित थे, साथ साथ में याद रखना कौन थे जी, संतूर वादक थे। कौन थे, संतूर वादक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर्सनैलिटी देखते हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही महान हस्ती डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, कांग्रेस से रिलेटिव थे, पहली बात तो याद रखना। इनका जन्म 19 अगस्त 1918 को हुआ था। कब, 19 अगस्त 1918 को हुआ था। कहाँ पर, भोपाल में हुआ था, याद रखना। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा किस जिले से संबंधित है, भोपाल से, जन्म भोपाल से हुआ था। डॉक्टर शर्मा ने सेंट जॉन्स कॉलेज, कौन सा, सेंट जॉन कॉलेज आगरा से स्नातक की उपाधि धारण की थी, स्नातक की पढ़ाई की थी। फिर उसके बाद वो इलाहाबाद से एमए किया उन्होंने, ठीक है। उस इलाहाबाद से एमए करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एलएलबी व कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में भी महान डिग्रियां हासिल की थी। साथ साथ में याद रखना कि वर्ष 1992 से 1956 तक, कब, 1992 से 1956 तक भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री भी रहे। किसके, भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री भी रहे। वर्ष 1956 मध्य प्रदेश के गठन के बाद डॉक्टर शर्मा राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री भी बने रहे, ठीक है, याद रखना। किसके, राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री भी बने रहे 56 में। 1972-1972 में डॉक्टर शर्मा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। किसका, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और वर्ष 1974 में इस पद पर रहे, 74 तक, 2 वर्षों तक इस पद पर रहे। ये वर्ष 1992 से 1997 तक मुख्य तरीके से भारत के राष्ट्रपति भी रहे। किसके, भारत के राष्ट्रपति भी रहे 1992 से 1997 तक, ठीक है। इसलिए बहुत मान
हो जाती है, महाराष्ट्र का गौरव प्राप्त हो जाता है इनको, और क्वेश्चन से संबंधित पूछा भी जाता है, ठीक है, याद रखना। डॉक्टर शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था, याद रख लेना, कांग्रेस अप्रोच टू इंटरनेशनल अफेयर्स, कौन सा, कांग्रेस अप्रोच टू इंटरनेशनल अफेयर्स इनकी द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। डॉक्टर शर्मा का निधन 26 दिसंबर 1999 को हो गया था, ठीक है, जन्म कब हुआ था, 19 अगस्त 1918 को, 26 दिसंबर 1999 को इनका निधन हो गया था। तो इन्होंने जितने भी क्वेश्चंस थे किससे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से, ठीक है, याद रखना, शिक्षा से लेकर राष्ट्रपति तक के बनने का सफर, जो भी इनसे संबंधित क्वेश्चन आता है वो सारी इससे कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मकबूल फिदा हुसैन, कौन, मकबूल फिदा हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन इनका जन्म की बात करें तो 1915 में हुआ था, 1915 में, तो बस 1947 में अपनी पहली प्रदर्शनी आयोजित करके अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के चित्रकार बने। तो मकबूल फिदा हुसैन कौन थे, सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक चित्रकार थे, इन्होंने इंदौर में, कहाँ पर, इन्होंने इंदौर में विश्व की सबसे लंबी पेंटिंग, कौन सी, विश्व की सबसे लंबी पेंटिंग बनाई थी। इनकी प्रदर्शनियां चीन, अमेरिका, इराक, ब्रिटेन आदि देशों में लग चुकी हैं। इन्हें वर्ष 1966 में पद्मश्री, 1973 में पद्म भूषण और 1987 में कालिदास सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। ये सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। समय याद रखना, क्रम बात की थी कि अगर डीपली क्वेश्चन इनसे आएगा तो याद आएगा कि कौन सी सन में इनको कौन सा पुरस्कार मिला और सबसे पहला पुरस्कार कौन सा मिला, कालिदास, पद्मश्री या पद्म भूषण। तो आपको याद रखना 66 में पद्मश्री, और एक बात याद रखना, सबसे पहले छोटा पुरस्कार मिलेगा, एकदम अगर बड़ा नहीं मिलेगा, अगर बड़ा मिलेगा तो उसके नीचे के पुरस्कार दिए ही नहीं जाते। 66 में पद्मश्री, 73 में पद्म भूषण और 1987 में कालिदास सम्मानित किया जा चुका है। 9 जून 2011 को लंदन में इनका निधन हो गया, कहाँ पर, 9 जून 2011 को लंदन में इनका निधन हो गया। प्रमुख चित्रकार थे, ठीक है, याद रखना, मकबूल फिदा हुसैन इंदौर से संबंधित थे, विश्व की सबसे लंबी पेंटिंग बनाने का किताबीनी के नाम पर है। अगला आता है हमारा शबनम मौसी, ये वर्ष 2000 में, कहाँ पर, ये वर्ष 2000 में शहडोल जिले के स्वापुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में विधायक पद हेतु निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय किन्नर बनी, ठीक है, याद रखना, भारत की पहली किन्नर कौन बनी, निर्वाचित होने वाली विधायक के पद के रूप में, ठीक है, विधायक पद का चुनाव जीतने वाली पहली शबनम मौसी, ठीक है, कहाँ से, सिटी याद रखना, शहडोल जिले के स्वागपुर से, शहडोल जिलों के स्वागपुर से, ठीक है। अगली आती है हमारी संध्या अग्रवाल, संध्या अग्रवाल से काफी क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर खिलाड़ी, पहली बात तो याद रखना, ठीक है, और इस साथ साथ में याद रखना कि संध्या अग्रवाल भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी है, कौन, भारतीय महिला टीम की कप्तान भी रह चुकी है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार और विक्रम पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है, कौन कौन से, एक तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित और विक्रम पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है, संध्या अग्रवाल को, क्रिकेट के महान खिलाड़ी और कैप्टन रह चुकी हैं। अगले आते हैं हमारे कैलाश सत्यार्थी, कौन, कैलाश सत्यार्थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में जन्मे, कौन से, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में जन्मे कैलाश सत्यार्थी 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, कौन, शांति का नोबेल पुरस्कार जब से इन्होंने प्राप्त किया ये बहुत ही सुर्खियों में रहे और इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। यह बचपन बचाओ नामक अभियान से भी संबंधित है क्योंकि इन्होंने इसको प्रारंभ किया है, बचपन बचाओ से संबंधित, ठीक है, याद रखना, इससे बचपन बचाओ नामक अभियान से भी ये समर्थित है, ठीक है, याद रखना। तो कौन, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के जरिए 2014 में आप क्वेश्चन जब पूछा जाएगा और देखा जाए तो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा 5-4 से 5 साल पुराना भी हो गया कि कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था और क्या का दिया गया था, तो इसी क्वेश्चन बनते हैं। तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था, कहाँ पर, 2014 में दिया गया था। अब मेरा एक क्वेश्चन बनता है आपसे, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे वीडियो होगा, आपको बताना है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो कमेंट बॉक्स में कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखी गई पुस्तक का बहुत ही फेमस पुस्तक है, एक दो परीक्षा में आ भी चुकी है, तो मुझे उसको बताएं। फ्रेंड्स, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें और बार बार एक दो बार देखने के, अगर आपको मटेरियल याद नहीं होता तो एक दो बार देखेंगे तो पूरा कंटेंट याद हो जाएगा और आपको पर्सनालिटी पूरी मध्य प्रदेश की याद हो जाएंगी। इसी प्रकार सारी की सारी जो भी वीडियोज है मध्य प्रदेश संबंधित, बच्चे सेकंड लास्ट, इसके बाद एक वीडियो और आएगी फ्रेंड्स, ठीक है, मध्य प्रदेश के इतिहास को हम लास्ट में कवर करवा देंगे, लास्ट के वीडियो में,
ठीक है। और नए नए सब्जेक्ट की वीडियो अब आने वाली है पूरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। मिलेंगे अगले टॉपिक में, जब तक के लिए बाय।